जय मसीह की। जरूर परमेश्वर हम लोगों के बीच में लगातार वचन के द्वारा परमेश्वर कार्य करते आ रहे हैं। परमेश्वर के नाम की महिमा होने पर हम लोग रूत किताब से हम लोग वचन को अध्ययन करते आ रहे हैं। चार पाठ हो चुका है, आज पांचवा पाठ है कि परमेश्वर के नाम की महिमा होने पर कि हम लगातार हम लोग नहोमी का जीवन ये सब देख के आए हैं। फिर इसके बाद रूत के शुरुआत हम लोग मैंने उनके जीवन के बारे में हम लोग सुने, उनके अर्पणता के बारे में हम लोगों ने देखा। पिछले बार बोआज ने रूत के जीवन में उनके जीवन में कैसे उनको का प्रेम दिखाया, उसको अनुग्रह दिखाया, उसके बारे में हम लोगों ने देखा। इस बार फिर हम लोग देखते हैं कि रूत के लिए बोआज के नाजर से कृपा दृष्टि मिला है। रूत फाउंड फेवर फ्रॉम बोआज, यानी रूथ बोआज के नजर से, बोआज की दृष्टि से, यानी बोआज से कृपा दृष्टि, यानी शी फाउंड फेवर फ्रॉम बोआज, उनके नजर से उनको कृपा दृष्टि मिला है, जिसके उसके बारे में आज हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं। रूथ दूसरा अध्याय 8 से लेकर के 16 वचन तक, 8 से 16 तक आज हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं कि परमेश्वर के नाम की महिमा होने पर कि यहाँ पर हम देखते हैं कि ये रूथ जो है वो परदेशी है, यानी वो फॉरिनर परदेशी है ना, वो आपके रहने वाली अपने सास के साथ वो चली आई, उसके अर्पणता को हम लोग पहला अध्याय में देखा है। और आज हम देखते हैं कि वो सोची कि आइडली नहीं बैठना है, कि घर पे बैठने से खाना नहीं मिलेगा, जो नहीं काम करता है उनको खाना नहीं देना चाहिए, बाइबल में लिखा है ना, जो नहीं काम करते हैं उनके लिए बाइबल वचन लिखा है उनको भोजन नहीं देना। इसीलिए जो नहीं काम करते हैं ध्यान से सुन लीजिएगा, अच्छे से काम कीजिए, कमाइए, परिवार को संभालिए, तभी तो खाना खा सकते हैं, नहीं तो क्या करना पड़ेगा, इधर उधर खर्चा लेकर के अपने जीवन को डुबाना पड़ेगा। इसीलिए आलसी नहीं बनना है, काम करना है। हालेलुया। यहाँ हम देखते हैं रूथ जरूर परदेशी थी, वो यहाँ आई आने के यानी बदले में आई, आने के बाद उत्सुक में रही अपने सास से परमिशन लेकर के किसी खेत में जा करके गेहूं चुनने के लिए गई थी। करते 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 क्या हुआ, संयोग से, पिछले बार हम लोगों ने संयोग से बोआज के खेत में वो चली गई। हालेलुया। कि परमेश्वर हाँ, कभी कभी हमारे जीवन में कुछ एक्सीडेंटली होता है, संयोग से होता है, ये ऐसे ही नहीं, परमेश्वर कभी कभी हमारे जीवन में ऐसा करते हैं, किसी किसी से कोई काम हम कुछ समझ भी नहीं आए कैसे हुआ, लेकिन वो परमेश्वर की ओर से होता है। हालेलुया। कभी कभी हमारे जीवन में जो हम एक्सपेक्ट भी नहीं करते हैं वो हमारे जीवन में होता है, तब हम बोलते हाँ नहीं कैसे हुआ, ये कैसे मेरे जीवन में आया, कैसे ये काम हुआ करके हम नहीं जानते हैं करके कभी कभी हम सोचते हैं ना, वो परमेश्वर कभी कभी हमारे जीवन में संयोग से इन काम को करता है। हालेलुया। या ऐसे ही इसी उतना बात हम लोगों ने देखा कि आज 8 वचन को पढ़ेंगे, दूसरा अध्याय का 8 वचन पढ़ेंगे। तब मोआब ने रूथ से कहा, हे मेरी बेटी, क्या तूने सुनती है किसी दूसरे के खेत में भिन्ने को ना जाना, मेरी ही दासियों के संग नहीं रहना। हालेलुया। यहाँ हम देखते हैं बोआज उसके ऊपर कृपा दृष्टि करता है, उसके ऊपर नजर लगाया, उसके लिए कुछ मदद करने के लिए इन्होंने सोचा। बाइबल में हम देखते हैं, पढ़ेंगे रोमियो 12 अध्याय का 13 वचन पढ़ेंगे, रोमियो 12 अध्याय का 13 वचन पढ़ेंगे। पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यकता हो उसमें उनकी सहायता करो, पहुनाई करने में लगे रहो, पहुनाई करने में लगे रहो, क्योंकि हम नहीं जानते हैं कभी कभी हमारा घर में स्वर्ग भजन संगीतम यदि आप देखे गॉस्पेल का है, हम पहुनाई करते हैं लेकिन आप नहीं जानते हैं कि कभी हमारा घर में स्वर्गदूत भी आके बैठ जाएंगे। कभी कभी हम लोग थोड़ा आलसी हो जाते हैं, कोई किसी की सेवा करना है, समय पे आ गया है, ऐसे समय पे आ गया हम लोग को कि हमारा घर में सिर्फ 3 जन के लिए खाना बना है, ये 14 आदमी कहाँ से आ गया, कभी कभी हो जाता है ना, लेकिन हम नहीं जानते हैं कि हम गलती से भी ऐसा, जैसे हम बताया कि अननोइंगली हम स्वर्गदूतों को भी सेवा करते हैं। हालेलुया। कि इसीलिए यहाँ लिखा है
है पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यक हो उसमें उनकी सहायता करो। हालेलुया, उनकी सहायता करना जरूरी है। पौनाई करने में लगे रहो, पौनाई करने में लगे रहो। फलानगर में जाएंगे तो खूब अच्छा खाना मिलता है, इसलिए काम नहीं करेंगे, जाकर वहां बैठ जाएंगे तो खाना मिलेगा करके बैठना नहीं, ठीक है, पौनाई करेगा। वो तो मसीह लोग है ना, वो विश्वासी है ना, बहुत अच्छा खाना बना के खिलाते हैं, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा व्यवहार है, इसीलिए फालतू जाके नहीं बैठना है। लेकिन आपके घर में कोई भी आते हैं उनका साथ आप जैसे व्यवहार करेंगे जिसके कारण उन लोगों का जीवन बदल लेता है, बदल देता है। हालेलुया, एक भाई से मेरा भेंट हुई, उनको प्रेम के मतलब भी नहीं मालूम था। प्रेम क्या होता है, प्रेम किसी ने उनको समझाया नहीं। प्रेम की तलाश में वो कई सालों से भटक रहे थे। एक दिन मैं उनके घर में गए, घर में जा करके मैंने प्रेम से उनसे बात की। उसके परिवार के लोग सबको बैठे थे तो उन लोग अपने बातों हमको देखते ही उन लोग अपने बातों को वो बोलने लगे, रोने लगे। फिर मैंने उन लोगों को गले लगाया, मैंने उनसे कहा, वो बहन से कहा, चिंता मत करो, तुम्हारा दुख दूर हो गया। हालेलुया, कई सालों से वे लोग अनाथ जैसा वे लोग रह रहे थे, ना कलिशा, ना आत्मिक पिता, ना आत्मिक माँ, ना आत्मिक बहन भाई, कोई नहीं उनके साथ, जो भी है वे ही अपने अकेले वो लोग रह रहे थे। लेकिन जिस दिन मैं उनके घर में जा करके उन लोगों से बातें करने लगे, पवित्र आत्मा उनके दिल में खारिज किया, उन्होंने कहा यही हमारा आत्मिक माँ है। हालेलुया, इन्हीं के पास हमें जाना है। ऐसा करके परमेश्वर ने उनसे बात किया, मैंने उनको चर्चा में नहीं बुलाया, वो अपने आप बोलने लगे कि आज हमको मन में शांति मिला है। कई दिनों से मैंने प्रार्थना करते आया कि हमारी एक आत्मिक परिवार मिले, परमेश्वर हमें दे दिया। हालेलुया, कि हमारी जो बोली है उसके द्वारा किसी को चोट ना लगना है। कभी कभी हम मदद कर देते हैं, कभी कभी हम उनको खिला देते हैं, कभी कभी उनको दे देते हैं, लेकिन कभी कभी हम पीछे भी पता नहीं कहाँ से आ गया ये आदमी करके बोलते हैं, कभी कभी उनका कान में सुनाई भी पड़ देता है, ऐसे ना होने पाए। हालेलुया, कि यहाँ हम देखते हैं एक परदेशी थी, एक अन्य देश देश पर रहने वाली थी, अन्य देवताओं को मानने वाली थी, लेकिन इनके अर्पणता के कारण यहाँ हम देखते हैं वो जब चली आई तब बोआज ने रूथ से कहा, ए मेरी बेटी क्या तू सुनती है, किसी दूसरे के खेत में बिनने को ना जाना। कहते हैं दूसरा खेत में जाके बिनने के लिए नहीं जाना, इसीलिए क्या करना कि हमारी जो दासी लोग है उनके पीछे पीछे, क्योंकि बहुत बड़ा खेत था उनके पास, बहुत बड़ा वो धनवान था, बहुत पैसा होता था उनके पास, ढेर सारा जमीन होगी, ढेर सारा उनके खेत में खेती होगी और अगल बगल के लोग भी होंगे, लेकिन वो बता दिए इधर उधर नहीं जाना है, कि इसी खेत में हमारे लोगों के पीछे पीछे जा करके क्या करना है, बिनते जाओ, दूसरे के खेत में नहीं जाना है। हालेलुया, कि हमारे पास कोई आते हैं उनको पौनाई करना नहीं भूलना। हालेलुया, कि हम उनकी मदद करना नहीं भूलना। यहाँ हम देखते हैं कि वो आज रूथ के लिए प्रेम और दया दिखाया है। हालेलुया, हम भी एक परदेश के समान, हम अपने घर द्वार छोड़ के जब गए थे प्यार में और यूपी में जब सेवा किए, परमेश्वर हमें नहीं छोड़ा। हर परिस्थिति में हर प्रकार की मदद जरूरी परमेश्वर हमारे जीवन में किया। हालेलुया, वैसे ही आप भी यहाँ आए हैं तो आपके जीवन में भी परमेश्वर कार्य करेगा, लेकिन आपका जीवन थोड़ा सा देख लेना किस प्रकार है। हालेलुया, या रूथ का जीवन के बारे में हम जानते हैं कि पढ़ेंगे, नवचन पढ़ेंगे, जिस खेत को वे लौटती तो उसी पर तेरा ध्यान बांधा रहे और उन्हीं के पीछे पीछे चला करना। क्या मैंने जवानों को आज्ञा नहीं दी कि वे तुझे तंग ना करे। यहाँ पर कहते हैं कि जिस खेत को लेब लगाती हो उसी पर तेरा ध्यान बांधा रहे, इधर उधर भटकना नहीं, जिस काम दिया गया है, जिस काम तुम करने आई है उसी काम में लगे रहो, इधर उधर देखने का जरूरत नहीं है। ये हमारे लिए भी एक चुनौती है, चेतावनी है, जिस काम के लिए हम आए उसका
काम करें। फालतू काम करने के कारण कई बार हम फंस जाते हैं, कई बार हम धोखा में हो जाते हैं, कई बार हम लोगों को धोखा ही धोखा होता है। यहाँ पर जिस केक को वे लवाती को उसी पर तेरा ध्यान भांधा रहे और उन्हीं के पीछे पीछे चला करना, क्या मैंने जवानों को आज्ञा नहीं दी कि वे तुझे तंग ना करे। हालेलुया। कि यहाँ हम देखते हैं कि तुम जिस काम के लिए आई है उसी का काम करो और जिनके पीछे जाने के लिए बोलते उन्हीं के पीछे जाओ और तुमको कोई तंग नहीं करेगा। इज़राइल का रक्षक ना उठता है ना सोता है, वो हमारा रक्षा करने वाला परमेश्वर ही परदेसी है, लेकिन परमेश्वर को अपनाया है। इनका जीवन ऐसा अर्पणता था जिसके कारण यहाँ ना जान ना पहचान, लेकिन ये व्यक्ति इनके जीवन में ऐसा दया दिखाने का क्या जरूरत था। पढ़ेंगे 10 वचन पढ़ेंगे तब वो भूमि तब झुककर नहीं उसी में पड़ेंगे तब नौ में तब 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 तो बर्तनों के पास जाकर पानी पीने जैसा पानी पीना जिससे जवान लोग करते हैं जिससे जवान लोग यानी तुम घर से पानी लेकर के देखिए कितना इसके ऊपर दया है। हालेलुया। देखिए हम परमेश्वर का प्रिय हो जाएंगे, परमेश्वर के प्रिय लोग बन जाएंगे हमारे लिए कि कहीं भी हम जाए हमारे ऊपर परमेश्वर कृपा दृष्टि रखेगा, हमारे लिए दया करेगा। हालेलुया। हम लोग मांगने से पहले तो घर से पानी लाइए कि नहीं लाइए पता नहीं, लेकिन वहाँ एक कुआ बेतलहम में एक कुआ है, उस कुआ से लोग पानी भर करके ला के रखे होंगे। उस पानी जवान लोग इतना मेहनत करके लाते हैं कि आजकल के जैसा नल बोल के पानी पीने के जैसा नहीं है, किसी कुआं एक रहेगा उसी कुआं से पानी लेकर आना पड़ेगा। जब जब तुमको पानी पीना होगा उस बर्तन में रखा हुआ पानी तो पियो, कोई भी तुमको ढांढेगा नहीं। हालेलुया। तुम्हारा जरूरत तुमको परमेश्वर पूरा करने वाला है। हालेलुया। कि जब जब हमें चाहिए तुम जा करके उस पानी को पी लो। और 10 वचन तब वो भूमि तक झुक कर मुंह के बल गिरी और उससे कहने लगी क्या कारण है कि तूने मुझे परदेशी पर अनुग्रह की दृष्टि करके मेरी सुधि ली। हालेलुया। ये क्या करती है तुरंत दंडवत करके मुंह के बल गिर के कहती है कि क्या कारण है इस परदेशी के ऊपर आप दया दृष्टि दिखाया है। हालेलुया। या इनके जीवन में एक अंबल नेचर है। बहुत लोग क्या सोचते हैं अरे तुम्हारा काम है करना है करो, तुम हमको जो जरूरत है उसको पूरा करो। एक थैंकफुल हार्ट नहीं होता है। कभी कभी इस बात को लेकर के हमको सिखाना पड़ता है। कभी कभी हम लोगों को कोई परमेश्वर किसी को रख करके आपको कुछ मदद होता है, किस प्रकार आप लोग थैंकफुल है उनके साथ, किस प्रकार आप उनके साथ व्यवहार करते हैं। अच्छा इनका काम है इनका उसी काम करना है करो, हम लोग अपना काम करेंगे, ऐसा करके नहीं रहना है। आप अपने जीवन में थैंकफुल किसी के यहाँ जाते एक ग्लास पानी भी लोग उठा कर देगा थैंकफुल रहने के लिए प्रयास कीजिएगा। हालेलुया। कोशिश कीजिएगा आपके घर में चाहे आपके पास कुछ मदद लोग लेते हैं, मदद लेने के बाद आपको थैंक यू नहीं बोलेगा तो कितना दुख लगता है ना। बस घर में जैसा आए चले गए ना थैंक यू बोलता है कुछ नहीं बोलता है, चाहे थैंक यू बोलता है लेकिन कुत्ता बोलते हैं कुछ भी उसको देंगे तो क्या करता है वो चिल्लाता है, उसके अंदर एक धन्यवाद उसके अंदर एक कुछ हो जाता है मेरा मालिक कोई हमको खिला दिया ऐसा करके क्या करता है वो कुछ चिल्लाता है। कि वैसा हमारा जीवन कैसा है, कोई आपको कुछ मदद करता है उसके लिए आप कितना धन्यवादित है, क्या आप थैंकफुल है। यहाँ हम देखते हैं वो क्या करती तब वो भूमि तक झुक कर मुंह के बल गिर गया। हम ये नहीं बोल रहे हैं आपको कोई मदद करता तो सीधे साष्टांग गिर के दंडवत नहीं हमसे कमाल जोड़ के या थैंक यू भैया या थैंक यू दीदी या थैंक यू सिस्टर ऐसे बोलने में कितना हमको तकलीफ होगा, या एक दो थैंक यू बस दो ही शब्द बोलने में कितना हमको ये तकलीफ होता है। बोलने के लिए सीखिएगा। यहाँ देखते हैं भूमि तक झुक कर मुंह के बल गिरी और उसमें कहने लगी क्या कारण है कि तूने मुझे परदेसी पर अनुग्रह की दृष्टि करके मेरी शुद्धि दी है।
है, मैं इच्छा से जब उतरती हूँ ना, टेम्पो से उतरती हूँ, चाहे कैब में जाते उतरती हूँ, या मेरा घर पे दूध वाला आता है, या कभी सब्जी खरीदने जाते हैं, मेरी आदत है थैंक यू बोलने का। मेरी पैसा से हम खरीदते हैं, मेरे पैसे से हम रिक्शा में आते हैं, टेम्पो में आते हैं, फिर भी हमें वो लेके सुरक्षित लेके आया, वो ना जान ना पहचान, थैंक यू बोलने से उसका दिल भी खुश हो जाता है। हाँ देखो इन्होंने हमको थैंक यू बोला, जिससे वे हमारा बारे में जानेंगे, जरूर ये कुछ स्पेशल है, सीखिएगा। आपको तो आदत नहीं है, बहुत लोगों की आदत हम देखते हैं, हम बोल सकते हैं, गिन के बोल सकते हैं कितने लोग ऐसा है, थैंक यू बोलने की आदत नहीं है, सीखिएगा। आपको कोई मदद करता है थैंक यू बोलने का सीखिए, नहीं तो इसका उल्टे में अरे ये तो काम करना करना है, तो ऐसे करके कभी नहीं करना। हालेलुया, कि दोबारा आपको मदद करने के लिए लोगों को अवसर दीजिएगा, कैसा थैंक यू बोलने से खुश हो जाएंगे, दोबारा आप लोगों को मदद करने के लिए लोगों को मन करेंगे। क्या करती है, भूमि पर झुक कर मुंह के बल गिरी और उसने कहने लगी, क्या कारण है कि तूने मुझे परदेशी पर अनुग्रह की दृष्टि करके मेरी शुद्धि की है। हालेलुया, पढ़ेंगे इफिसियों 2 अध्याय का 11 वचन, जरूर ये परदेश रानी परदेशी थी, जरूर ये अन्य देवताओं को मानने वाली थी, लेकिन यहाँ पर इसके जीवन में परमेश्वर ने ऐसे कार्य किया, इसके कारण क्या मालूम है, ईश्वरीय गुण। पढ़ेंगे इफिसियों 2 अध्याय का 11-13 तक पढ़ेंगे, इस कारण स्मरण करो, इस कारण स्मरण करो, तुम जो शारीरिक रीति से अन्य जाति, तुम तो शारीरिक रीति से अन्य जाति, जितने विश्वासी लोग हैं आप लोग ध्यान बोल के सुन लीजिएगा, तुम तो शारीरिक रीति से तो अन्य जाति हो, और जो लोग शरीर में हाथ किए हुए हैं, खतने से खतना वाले कहलाते हैं, वे तुमको खतना रहित कहते हैं, तुम लोग उस समय मसीह से अलग, उस समय जब आप एक अन्य जाति है आप खतना रहित रहेंगे, इसका मतलब आप अन्य जाति है, मसीह से तुम अलग है, और इसराइल की प्रजा के पद से अलग किए हुए, और इसराइल के प्रजा के पद से अलग किए हुए, और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी ना थे, और भागी भी नहीं थे, और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। आप जब अन्य जाति थे आप आशा रहित और ईश्वर रहित थे, और अब मसीह यीशु, अब मसीह यीशु मसीह में तुम जो पहले तुम दूर थे मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए, हम पहले कुछ भी नहीं थे, हम कहते हैं ना हम तो पहले कुछ भी नहीं थे, जरूर हम कुछ नहीं थे, कितना रहित थे, हम प्रभु को नहीं जानते थे, ईश्वर रहित थे, हम दया रहित थे, लेकिन जब वो प्रभु को जान लिए, उनके लहू से जब हम धोए गए हैं, हम अभी उनका प्रजा बन गए हैं। हालेलुया, ताली बजा कर परमेश्वर को हम धन्यवाद देंगे कि परमेश्वर हमें उनके अपने लोग बनाया। हालेलुया, पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हैं, वैसे ही यहाँ जीवन देते हैं। रूथ जरूर जब तक वो मोआबी थी, वो मोआबी थी पर वो अन्य जाति की थी, जब वो नाहोमी के बातों को सुना, उनके पीछे पीछे चली आई, तुम्हारा परमेश्वर मेरा परमेश्वर और तुम्हारा लोग हम मेरा लोग है, ऐसा करके वो जब बोलने लगती है, इसका मतलब अपने मुंह से अंगीकार कर ली कि मैं पर अन्य जाति की नहीं हूँ, मैं आपकी हूँ। हालेलुया, कि इसके कारण इसका जीवन में परमेश्वर ने दया निकाला, जरूर ये परदेशी थी, लेकिन तुम बेतलहम में आ गई, तुम प्रभु मसीह में आ गई, जिसके कारण तुम पराया नहीं है, तुम अपना है। हालेलुया, कि हम जब तक प्रभु को नहीं जानते थे तब तक हम पराया है, जब ईश्वर को जान यीशु को जान लिए, अब बपतिस्मा ले लिए, अब परमेश्वर का प्रभु में हम भाग ले रहे हैं, इसका मतलब हम परदेसी नहीं है, हम परमेश्वर का प्रजा है। हालेलुया, कि परमेश्वर हमसे इतना प्रेम किया है जिसके कारण हम उनके प्रजा बन गए। हालेलुया, कि हम अन्य जाति नहीं है। हालेलुया, पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे मसीह के लहू के द्वारा
निकट हो गए हो। हालेलुया, हम उसके लहू में धोए हुए, जो अभी तक बपतिस्मा नहीं लिए आप समझ लीजिए आप प्रभु से दूर हैं। आप बपतिस्मा ले लिए, प्रभु के लहू से दो दिए गए, इसके मतलब आप परमेश्वर में आ गए। इसीलिए वो वही कहती है कि क्या कारण है कि मेरे ऊपर आप इतना दया दिखाने का क्या कारण है। तब बोआज ने उत्तर दिया 11 वचन में, जो कुछ तूने पति के मृत्यु के बाद अपनी सास से किया है और तू किस प्रकार अपने माता पिता और जन्म भूमि छोड़कर ऐसे लोगों में आई है जिनको तू पहले नहीं जानती थी, ये सब मुझ में विस्तार के साथ बदलाया गया है। हालेलुया, इब्राहिम के जीवन में भी हम जानते हैं घर बार माता पिता अपना जन्मभूमि सब छोड़ के चली आने के कारण परमेश्वर उसको ऊंचा जाति बनाया। हालेलुया, यहाँ हम देखते हैं जो परमेश्वर के पीछे आते हैं अपने सब कुछ छोड़ के, अपनी देवी देवता अपने सारे बातों को छोड़ के, अपनी जो पुराने रीति रिवाजों को अपने पुराने बातों को छोड़ के परमेश्वर के पास आ जाते हैं, उनके जीवन में परमेश्वर एक आनंदमय जीवन हो जाएगा, उनकी सारी परमेश्वर उनकी जरूरतों को पूरा करेगा। ये औरत के बारे में, रूथ के बारे में बोआज ऑलरेडी पता लगा के रखा है, ये औरत कैसे कैसे आई है, ये अपने पति जो मर गए हैं उसकी माँ का सेवा में लगी हुई है। हालेलुया, उसकी माँ का सेवा में लगने के कारण अपना माता पिता घर द्वार छोड़ के आई है, तो तुम्हारे लिए क्या नहीं करेगा। हालेलुया, आपका जीवन में भी परमेश्वर बहुत कुछ करना चाहता है, आपके जीवन में भी परमेश्वर मदद करना चाहता है। आपके जीवन कैसा है? आप जरूर बपतिस्मा लिए हैं, लेकिन क्या आप इन सारी चीजों से, रीति रिवाजों से आप अलग हुए हैं या उसी में पकड़े हुए हैं? बहुत लोगों की आदत है, जरूर विश्वासी करते हैं, लेकिन जब हम अन्य जातियों के पास चले जाते हैं उस समय आपका रिवाज कैसा कैसा हो जाता है, थोड़ा सा सोचने की बात। बहुत लोग क्या करते हैं, शादी में जाते हैं, मृत्यु में जाते हैं, और कुछ लोगों का आदत है डांस करने का आदत है या कुछ करने का आदत है, सब जो भी नहीं करना चाहिए सब चीज करके उन लोगों का समान बन जाना। कारण क्या है, हम नहीं करेंगे तो वे लोग हमको नहीं मानेंगे। बहुत लोगों की बात है। आप परमेश्वर के भवन में जब आते हैं किस प्रकार आते हैं, वैसे ही क्या आप अपना रिश्तेदार या कहीं घूमने कहीं किसी के यहाँ जाते हैं, किस प्रकार आपका चाल चलन है, किस प्रकार आपका आपका रहन सहन है, अपना ओढ़ना पहनना कैसा है। मैं कल भी परसों भी मेरे जो कॉन्फ्रेंस प्रेयर होता है उसमें भी मैंने बताया, आप परमेश्वर का लायक, परमेश्वर जिस प्रकार आपको चाहते हैं उस प्रकार आप जीवन बिताते हैं, या आपका जीवन घर में एक वेश बाहर एक वेश लगाते हैं। थोड़ा सा सोचिएगा, ये अपना घर बार छोड़ के आने का मतलब यह है, अपनी रीति रिवाज अपना घर बार माता पिता अपनी मूर्ति पूजा सब छोड़ करके ईश्वर के ऊपर भरोसा रख करके जहाँ तुम दफनाएंगे वही मुझे दफनाना है, ऐसे कह करके वो चली आई। हालेलुया, जिसके कारण उसके ऊपर परमेश्वर ने अनुग्रह किया। हालेलुया, इसीलिए हम देखते हैं कि पढ़ेंगे क्वेश्चन पढ़ेंगे उत्तर दिया, जो कुछ तूने पति के मृत्यु के बाद अपनी सास से किया और तू किस प्रकार अपने माता पिता और जन्म भूमि को छोड़कर ऐसे लोगों में आई है जिनको तू पहले ना जानती थी, यह सब मुझे विस्तार के साथ बताया गया है। तुम्हारे बारे में, आपके बारे में विस्तार रूप से बताएंगे, किस प्रकार बता। मान लीजिए आपकी कंपनी में हम चले जाएंगे, चाहे मान लीजिए आपके पड़ोसी के पास हम आ जाएंगे, उन लोग से हम पूछेंगे कि फलानवा कैसा है, टिकानवा कैसा है ना, वो आपके बारे में क्या गवाही देंगे। ये तो हमारा ही जैसा है, हम जैसा है वैसा ही है, ऐसे करके आपके बारे में गवाही देगा या आपके बारे में एकदम ऐसे एकदम ठोस गवाही देते हैं, वाह ये अलग है, ये भिन्न है, ये एकदम दूसरा टाइप, हम लोग का जैसा नहीं है, वैसा आपके बारे में बोलते हैं क्या?
जब अन्य जाति लोग आपके बारे में किस प्रकार आपका गवाही देते हैं, थोड़ा सा सोचिए। यहाँ बोअज ऑलरेडी इनका सारा रिपोर्ट लेके आ गए, कैसी है क्या है करके इनके बारे में सारा रिपोर्ट कलेक्ट करके आया है। मैं जानती हूँ बेटी तुम कौन है, तुम्हारा जीवन के बारे में हम जान रहे हैं, तुम अपने माता पिता सबको छोड़ के ये मृत्यु जो तुम्हारा पति मृत्यु हो गया उसको नहीं है फिर भी अपने सांस के पीछे आई है, इसका मतलब तुम्हारा जीवन क्या है करके हम जान गए। इसके पास और क्या नहीं है, कुछ नहीं है और आगे कुछ होगा होने वाला भी नहीं है, फिर भी परमेश्वर के भरोसे पर आने के कारण वो आज उसके जीवन में उसको मदद करने के लिए उतरता है। पढ़ेंगे 12 वचन पढ़े हुए मत्ती 5 अध्याय का 46 पढ़ेंगे, मत्ती 5 अध्याय का 46। क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वाले ही से प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा, क्या मासूल लेने वाला भी ऐसे ही होते हैं कि आप किसी को मदद करते हैं। बहुत लोगों की आदत है अपने ही लोगों को ज्यादा मदद करने के लिए हम क्या करते हैं उधरी में रहते हैं, अपने भाषा वाला अपने गांव वाला अपने घर वाला वो लोग आते हैं एकदम गली निकल। हम कई बार आप चर्च में भी जाते हैं, आप लोग कोई भी क्यों ना हो कोई भी नया आदमी आए सबसे मिलिए, बोलते हैं ना पिछले सप्ताह भी एक कैसा हुआ एक भाई साहब बोले अपने ही में मत रहो जाओ एक नया लड़का आया है आके उससे मिलो, मैंने उसको टोका है। क्यों हम किसी आते हैं सिर्फ अपने लोगों से मिलने अपने प्रिय लोगों से मिलने गले लगाने, आप कोई नया लोग आता उसको गले लगा के देखिए बहन मरने जा रही थी वो सोच रही थी कि अभी मेरा जीवन खत्म है अब आगे नहीं जीना है मुझे प्रेम के तलाश के वो परेशान में थी। एक बार वो उनके बारे जब उन्होंने अपनी सारी कहानी बताई मैंने उनको गले लगाया, मैंने कहा चिंता मत करिए बहन परमेश्वर आपके साथ है हम लोग आपसे प्रेम करते हैं, बस इतने ही बोले ना। उसी दिन वो बोली नहीं वो मेरे से प्रेम करने वाले हैं। हम सोच रहे थे एक आंटी बहुत बुजुर्ग आंटी उनके पास किसी ने जाके उनसे बहस किए उन्होंने बोला कि हम लोगों के बारे में वो माँ वो चलो बहुत बड़ी हम लोग से बहुत बड़ी है लेकिन उन लोगों से कही है मेरे लिए एक आत्मिक माँ बाप मिल गया है बहुत प्रेम करने वाले ज्यादा से उनसे समय नहीं बिता पाए कुछ ही देर हम उनके साथ समय बिताए लेकिन वो 2 मिनट या 5 मिनट या 1 घंटा के जो सा उनके साथ बदलाव किए हैं उसी में इतना उबर गई है 15 साल से वो प्रेम उनको नहीं मिला 15 साल का जो प्रेम उन्होंने खोया था कुछ ही समय में मिल गया। आप अपने लोगों से सिर्फ आप प्रेम करते हैं क्या लाभ है, जो प्रेम करता उसी से प्रेम करने से क्या लाभ है। लेकिन यहाँ पढ़ते पढ़ेंगे एक बार और पढ़ेंगे 5:46 पढ़ेंगे। क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों से प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा, क्या महसूल लेने वाले भी ऐसे ही नहीं करते। महसूल लेने वाला भी वैसे करता है, जो महसूल लेता है ना जाकर के जो चंगे रहता है ना वो भी ऐसे करता है। उनमें और आप में क्या फर्क है, अन्य जाति में और आप में क्या फर्क है, आप परमेश्वर का है आप विश्वासी है आप अपने ही लोगों से प्रेम करेंगे अपने ही बाल बच्चों से प्रेम करेंगे अपने ही घर वालों से प्रेम करेंगे अपने ही भाषा बोलने वाले से, क्योंकि हमारे कलीसिया में कई भाषा बोलने वाले हैं कई मैंने अलग अलग स्टेट्स के कोई यूपी के हैं कोई बिहार के कोई उड़ीसा के कोई छत्तीसगढ़ के कोई झारखंड के कोई इधर के कोई उधर के हैं। आज का प्रभु का दया से राजस्थान के भी लोग आ गए। आप किसके साथ किस प्रकार का आपका अपना संबंध है, सिर्फ अपने ही लोगों के साथ अपने ही लोगों से गले लगाएंगे या नए नए आते हैं उनके साथ आपका रिश्ता कैसा है, अपने ही लोगों से प्रेम करने से क्या लाभ है। यह क्योंकि मसूल लेने वाला भी वैसे ही करते हैं। हालेलुया, इसीलिए 48 में लिखा है इसीलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। इसीलिए हमें कैसा बनना है, हमारा स्वर्गीय पिता जैसा सिद्ध है वैसा हमें सिद्ध बनना है कि हम उनके समान बनना है और लोगों से प्रेम करना है पूरा कुछ। आप उनसे नहीं हो पाता फिर भी कभी कभी ऐसा होता है किसी के पास सटना भी मुश्किल हो जाता है लेकिन उनके पास आप गले लगा के देखिएगा। हमारे जो राहुल गांधी को आप देखे होंगे कि जरूर वो कितना पढ़े लिखा आदमी है एक जरूर उनके जीवन थोड़ा सा देख लेंगे कि कैसे भी लोग हैं उनके साथ जाके कुली लोग उठाता है उनके साथ जाकर बैठ जाता है जो मैकेनिक उनके साथ जाकर काम करने लगते हैं कोई ड्राइवर उनके साथ बैठ के गाड़ी भी चलेते हैं
चप्पल सिलाया करने वाला के पास बैठ जाते हैं, भेदभाव नहीं देखते हैं, मेरा रंग गोरा है, तुम्हारा रंग काला है, तुम दूसरा जात का, ऐसे करके नहीं देखता है सबके साथ। वैसे एक वो एक देखिए हमारा देश का एक मंत्री वैसा करते हैं, हम यीशु मसीह के लोग हैं, हमारा परमेश्वर सिद्ध है, उनके जैसा हमें बनना है, तो हम किस प्रकार रहना है, हाँ किस प्रकार आप रहते हैं। हम बार 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 परमेश्वर आपसे प्रेम करने के कारण परमेश्वर आपसे बताता है हर किसी के साथ ऐसा व्यवहार कीजिए, वो ऐसा है, वो टेढ़ा है, वो मेढ़ा है, वो पैसा वाला है, इनके पास पैसा नहीं है, गंदा है, वैसा नहीं देखना है। सबके साथ बराबरी में मिल करके उनके साथ प्रेम कीजिएगा। नए लोग आ गया एकदम चुंबक का समझ जाते सड़ जाइए उनके पास, वो लोग बोलेंगे सिर्फ सूर्या आंटी सिर्फ अंकल ही जाके उनसे बात करना कोई दिखावा नहीं है, आप लोगों का काम है, आप लोग भी क्या करना है उनके पास जाके मिलिए, आपके क्या नाम है, कहाँ से आए, क्या समस्या है, पूछ के देखिए ना, खुश हो जाएंगे। आप प्रार्थना करना शुरू कीजिएगा, परमेश्वर उनके जीवन में कार्य करने लगेंगे, आप करके देखिएगा क्या फायदा है। जिससे प्रेम करते हैं उसी से प्रेम करना, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की, क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वाले से प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा, क्या फल होगा, क्या फायदा है। इसीलिए उन लोगों से भी प्रेम करें जो आप नहीं जानते, यही ईश्वरीय गुण। हम देखते हैं बोअज विशेष रूप से इतना लोगों के खेत में काम कर रहे थे, लेकिन इसके पास प्रेम करने के कारण ये अपना घर द्वार सब खुल के ईश्वर के पास आइए, इसके कारण उसके प्रति एक नया उनके लिए वो दया दिखाया। हालेलुया। 12 वचन पढ़ेंगे, मेरे ख्याल से समय नहीं है, दो अध्याय का 12 वचन पढ़ेंगे। यहोवा तेरा कार्य फल दे और इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके पंखों तले तू शरण लेने आई है तुझे पूरा बदला दे। हालेलुया। जिस पंखों तले हम आए हैं परमेश्वर हमें पूरा बदला देंगे। आप जो बोएंगे वही काटेंगे, आप नफरत बोइएगा नफरत काटेंगे, आप पाप बोइएगा पाप काटेंगे, आप किसी दूसरों के ऊपर उनके विरोध में अन्याय की अन्याय बोइएगा अन्याय काटेंगे। ऐसे कई बातों को आप जैसे जो बोएंगे वही काटेंगे। आप प्रेम बोइएगा प्रेम काटेंगे, आप ईमानदारी को बोइएगा ईमानदारी को काटेंगे, विश्वास योग्य बोइएगा आप विश्वास योग्य के साथ आपको प्रतिफल परमेश्वर देगा। यहाँ हम देखते हैं कि जो औरत अपना घर द्वार भूमि सब छोड़ करके इज़राइल का परमेश्वर यहोवा तेरे कार्य फल दे और इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके पंखों तले तू शरण लेने आई है तुझे बदला दे। हालेलुया। या बोअज उसको आशीष देता, 16 तक नहीं हो पाए, आज इससे ही हम खत्म करेंगे। एक ही वचन पढ़ के गलातियों 6:7-8 पढ़ेंगे, गलातियों 6:7-8 पढ़ेंगे। दो खाना का वो परमेश्वर कट्टा में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। आप प्रेम बोइएगा प्रेम काटेगा, आप धोखा बोइएगा धोखा काटेंगे, आप क्रोध बोइएगा क्रोध काटेंगे, आप अन्याय बोइएगा अन्याय काटेंगे। यहाँ जो आप बोएंगे वही काटेंगे, क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वो शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। हालेलुया। अगले सप्ताह इसके बारे में विस्तार रूप से बताएंगे। हाँ, ये सब अपने आप को परमेश्वर के अपने जीवन को समर्पित करते हुए परमेश्वर से गुरु हम देखते हैं कि रोध उनके ऊपर कृपा दृष्टि मिला, वो आज ने उसको कृपा दृष्टि दिखाया, जिसके कारण कहता है कि मेरे ही खेत में धान करो, मेरे बहन मेरे दासियों के पीछे पीछे जाओ, जिसके कारण रूह धन्यवाद की होती है, साष्टांग एकदम मुंह के बल गिर के उनको धन्यवाद करके बोलती है, क्या कारण है, मैं एक परदेशी हूँ, मेरे लिए इतना करने के क्या कारण है। कहता है तुम्हारे बारे में हम सब पता लगाया है, आपके जीवन के बारे में यदि कोई जाकर के पता लगाएंगे किस प्रकार आपका काम आपका जहाँ रहते हैं आपके बारे में लोग क्या बोलेगा, थोड़ा सा सोचिएगा। आप परमेश्वर इज़राइल परमेश्वर का पंखों तले में जो आए हैं, परमेश्वर आपके ऊपर
जरूर निकालेगा। हमारा कष्ट में, परेशानी में, दुख में हम इधर उधर भागने का जरूरत नहीं है। हम जो बोएंगे वही काटेंगे। हालेलुया, अनुग्रह हारे प्रेमदाता परमेश्वर मनुष्य को बोता है वही काटता है सामने। इसीलिए परमेश्वर अच्छा फल, अच्छा बातों को, प्रेम को बोने के लिए, परमेश्वर विश्वास को बोने के लिए, परमेश्वर अच्छे अच्छे बातों को बोने के लिए हमें सहायता कर। हालांकि परमेश्वर कोई दूसरा पाप चाहे कोई प्रकार की प्रभु दुष्ट इच्छा या दूसरों के प्रति प्रभु जी क्रोध ऐसे ना हम बोले ना पाए परमेश्वर। इसीलिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हमारे लोगों के जीवन में कार्य कर, जिस प्रकार परमेश्वर वो उसकी दया दिखाया वैसे ही हमारे ऊपर भी दया दिखाने के लिए हमारा अनुग्रह है। आशीष दान करें, यीशु के नाम से मांगते सुनो दया से करें।